डे वन। हाय व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम प्ले कर रहे हैं ग्रैनी चैप्टर टू। एंड लास्ट टाइम हमने इस वाले हाउस से इस्केप करा था, भागे थे हेलीकॉप्टर के ऊपर। हाँ, हेलीकॉप्टर से इस्केप करा था, जो कि बहुत ही मुश्किल था क्योंकि ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने हमें रोकने की कोशिश की थी। बट हम सारी चीज़ें फाइंड करके, जो भी हमें चाहिए था, भाग गए थे और वो हमें देखते रह गए थे, और उनका हेलीकॉप्टर भी साथ ले गए थे। और आज दोबारा से हम प्ले कर रहे हैं ग्रैनी चैप्टर टू, एंड आज हम इस्केप करेंगे बोट के ऊपर। हाँ, एक कश्ती से भागेंगे हम, जो कि हमें पता है कि वो किधर है, और उसके लिए कुछ सामान चाहिए होगा, वो हम अभी जाकर देख लेते हैं। और ये रूम हमें हमारा ही है, जब भी हमें ग्रैनी या ग्रैंडपा पकड़ते हैं ना, तो इसी वाले रूम के में आकर इधर सुला देते हैं इस फट्टे के ऊपर। और छोटा सा रूम है, लास्ट टाइम तो बहुत बड़ा था। बट अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हेलीकॉप्टर से इस्केप वाली, तो आप पहले ये फुल वॉच करें, उसके बाद आप वो भी जाकर देखें, बहुत ही मज़ा आएगा। एंड आज हम बाहर निकलते हैं, और हमने पूरे घर का लास्ट टाइम विज़िट कर लिया था, और हमें पता है कि भाई इनके कैमराज लगे हुए हैं और बहुत सिक्योरिटी है, और किधर चीज़ें पड़ी होती हैं ये तो हमें सारा पता है। बट ये पता नहीं है कि उन्होंने तो भाई इधर से ग्रैनी आ रही है, मैंने देखा है ग्रैनी आ रही है, भागो नीचे। तो बोट भी इधर ही है, तो ये देखो ये रही बोट, एंड ये पानी है, पानी के अंदर हमने नहीं जाना क्योंकि इसमें कोई ख़तरनाक सी चीज़ है जो हमें मार देती है। एंड थोड़ी देर के लिए इधर छुप कर बैठ जाते हैं। ग्रैनी आ रही थी भाई, उसके हाथ में डंडा था, वो दीवार से ना मैंने थोड़ा सा मुझे शक हुआ शायद कि कोई और चीज़ होगी, बट हम भाग गए, नहीं तो हमें मार देती। हमारे पास जस्ट होते हैं 5 डेज, 5 दिन हमें पकड़ते हैं, 4 दिन हमें पकड़ते हैं तो उसी वाले रूम के अंदर छोड़ देते हैं, और जब 5वें दिन हम उनके हाथ आ जाए ना, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमें मार देते हैं। तो इस वजह से हमें, हमारे पास जस्ट 5 डेज हैं, बट अभी तो पहला दिन है। और इधर आई नीड ए पैडलॉक की, इधर पैडलॉक की चाहिए। ओ शिट, तो भाई हमें देख लिया बुढ़े ने, कहाँ से भागें कहाँ से भागें। ओह तो ये क्या बला है। तो भाई पानी में नहीं आना था, तो हम पानी में आकर गिर गए, बट कोई बात नहीं, अभी हमारा दूसरा दिन स्टार्ट होगा, डे 2। मुश्किल नहीं है, हम फिर भी फाइंड कर लेंगे। तो यार बुढ़े का तो पता ही नहीं था, मैं समझा कि ग्रैनी है, बट ये तो ग्रैंडपा आ रहा था इधर, और हमने थोड़ी देर के लिए उधर चुपचाप बैठे रहना था, बट हम समझ रहे थे कि वो चले गए। और हमारा दूसरा डे स्टार्ट हो चुका है, एंड जल्दी से ना जाते हैं और उधर देखते हैं कि बोट के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, और जल्दी से फाइंड करते भागते हैं, नहीं तो ये हमें मार देंगे। आई नीड ए बोट स्टेयरिंग व्हील। ओके, तो एक बोट स्टेयरिंग व्हील चाहिए। आई कैंट स्टार्ट बोट येट। ओके, तो की चाहिए, चाबी। एंड इधर है आई नीड ए स्पार्क प्लग। इधर क्या है, आई नीड ए गैसोलीन। ओके, तो 4 चीज़ें बोट की हमें चाहिए, एंड एक पैडलॉक की। पैडलॉक की से इधर एक स्विच है जिसको हमने ऑन करना है, और ये वाला दरवाज़ा जो है ये खुल जाएगा, ये लोहे का दरवाज़ा, क्योंकि हमने बोट की सारी चीज़ें फाइंड कर भी ली और ये दरवाज़ा ओपन ना किया तो फिर हम नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते। अभी ग्रैंडपा ने भी हमें देख लिया है, भाई ग्रैंडपा बहुत ख़तरनाक है, लास्ट टाइम हमें ग्रैनी ने बहुत तंग किया था, ग्रैंडपा फिर भी सो जाता था, बट ग्रैनी जो अब हमारे पीछे पड़ती थी ना, तो ये हमें मार के ही छोड़ती थी। ओ तो दोबारा से उसने देख लिया, भाई इस बुढ़े को अब शक हो गया है ग्रैंडपा को कि ये इधर है, इसके गले में एक चाबी भी है, ये भी हम निकालेंगे, इधर भी कुछ पड़ा है, बट अभी तो भागो, ऊपर ग्रैनी होगी नीचे ग्रैंडपा, तो भाई ये क्या करने वाले हैं हमारे साथ आज। इधर क्या है, बोट की। वाह, बोट की तो मिल गई, अभी हम नीचे नहीं जाने वाले क्योंकि नीचे ग्रैंडपा है। ये क्या है, रेंच। हाँ रेंच का हमें पता है किधर लगना है, रेंच वो पानी जो उधर खड़ा है ना छोटी सी नदी में, उसको ख़त्म करने के लिए रेंच की ज़रूरत होती है, इससे हमने एक बोल्ट खोलना होता है। तो भाई आ गया, मुझे पता था। एंड ग्रैनी भी इधर जा रही है, बट ग्रैनी से अब हम नहीं डरते क्योंकि ग्रैनी ने हमें लास्ट टाइम तंग तो किया था, लेकिन हम बच के भाग गए थे। और इसको खोलना है रेंच के साथ, अभी देखें वो पानी जो है सूख जाएगा जो इधर खड़ा था। वो ग्रैनी जा रही है, ग्रैनी ने हमें देखा नहीं है अभी, थोड़ी देर के लिए इधर रुकते हैं, भाई देख लिया तो ये भाग के आ जाएगी। एंड हमारा दूसरा डे है आज,
चलो चले गए दोनों। इधर भी कुछ पड़ा है, ये पिक्चर का ही टुकड़ा होगा। लास्ट टाइम हम जब ऊपर गए थे तो हमें एक डोर खोलने के लिए 3 पीस चाहिए थे, बट अभी एक दिखाया हमें। ग्रैनी हमारे पीछे पड़ गई, ग्रैनी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जल्दी से भागो भाई बोट की के लिए के ना नीचे, वहाँ पर जाकर वे ये की भी रख देंगे और उधर छुप जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये ग्रैनी चली जाएगी, बाद में जाएंगे। लास्ट टाइम भी इधर ग्रैंड पा ने हमें नीचे धकेल दिया था पानी में, बट हमने शोर नहीं करना था भाई, शोर कर दिया क्योंकि हमने चाबी फेंक दी है, तो चाबी को आराम से रखना था। शोर से इनको पता चल जाता है कि ये इधर है। वो आ गई ग्रैनी आ गई भाई इधर। उसने हमें देखा नहीं है, वो अभी सीधा बोट की तरफ जा रही थी। बोट को देखेगी कि कहीं वो भाग तो नहीं गया बोट लेके। तुझे हंस रही है भाई, तो इसका मतलब ये हमें भागने नहीं देंगे। इनको पता चल गया, उसकी वो हंसी नहीं रोक रही, ये तो परेशान हो जाते कि ये लौंडा भाग रहा है, बट वो खुश हो रही थी क्या चली गई कि हाँ चली गई वापस। बट इनको क्या पता हम भी भागेंगे आज, इनके हाथ नहीं आने वाले। एक चीज़ तो आ गई, बाकी एक पैडलॉक की, स्टेयरिंग व्हील एंड स्पार्क प्लग। ओ तो भाई दोबारा से उसने हमें देख लिया, अब आएगी हमारे पीछे, अब ये आएगी। इसको पता है कि कोई और तो जगह नहीं है, ये इधर ही छुपेगा। यार हमने जल्दी कर दी थोड़ी, इसके पीछे नहीं जाना था। देखो यार हंसती है कि हम मेरे साथ खेल रहे हो तुम। खड़ी है ये, चली गई है तो पता ही नहीं है, देखना भी नहीं है। थोड़ा सा हमने झांक कर देखा ना तो वो इधर भागती चली आएगी। अब इन दोनों को शक हो गया है, ये हमारे पीछे पड़े रहेंगे। दोबारा से चली गई, अब ना थोड़ी देर वेट करेंगे। वैसे बहुत गंदी जगह है भाई, देखो इधर सारा पानी है, कोई आता वहता तो नहीं है इधर, कोई भी नहीं आता जाता। क्योंकि ये देखो इधर जो भी आता है पानी में, एक कोई बला सी है, वो खा जाती है बंदे को, जो भी इधर अंदर जाता है। लास्ट टाइम तो बुढ़े ने हमें फेंक दिया था। ग्रैंड पा के गले में एक चाबी भी होती है, वो है एक सिक्योरिटी की एक डोर की होती है जो ऊपर जाने के लिए हमें चाहिए होती है। वो जा रही ग्रैनी, ग्रैनी चली जा चली जा। वो इधर थोड़ा साइड पे होते हैं क्योंकि इधर लगा हुआ है कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। जब बुड्ढा ऊपर जाता है ना तो कैमरा ऑन करके देख लेता है कि हम कहाँ हैं, और फिर फौरन उसी जगह पे भागा चला आता है। वो जा रही, जा जा ऊपर जा, हमने अभी बहुत सारा माल नीचे से इकट्ठा करना है। इधर क्या चीज़ है, रेंच। हाँ रेंच हमने इधर फेंका था, चाबी उठाई थी, इधर कुछ भी नहीं है। चाबी किधर से ली थी, हाँ इधर से हमें क्या मिला था, चाबी नहीं, चाबी नहीं थी वो, रेंच मिला था। इधर कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, एंड इसको निकालते हैं, बुक को। और ये डोर है, ये ओपन होगा। इधर हमें मिले थी लास्ट टाइम शूट गन, ये रही शूट गन, तो आई नीड ए वेपन की। हाँ इसको भी उठाने के लिए ना हमें वेपन की ज़रूरत है। ये बोट स्टेयरिंग व्हील, वाओ। तो बोट का भाई स्टेयरिंग व्हील भी हमें मिल चुका है, एक और चीज़ मिल गई, हम सक्सेस हो गए। बट अभी सक्सेस को तो बहुत देर है, अभी माल इकट्ठा कर रहे हैं। ओ ग्रैंडपा, ग्रैंडपा खड़ा है भाई इधर, इधर नहीं जाने का, ग्रैंडपा हमारे पीछे पड़ जाएगा। ग्रैनी तो ऊपर चली गई है, बट ग्रैंडपा नीचे ना चला जाए यार, इसको कहो कि वापस चला जाए, ऊपर चला जाए, मुश्किल नहीं। यहाँ ऊपर गया, नीचे नहीं गया होगा, कहाँ है देख लेते हैं थोड़ा हट के, कहाँ है, ऊपर चला गया क्या। वैसे वो ग्रैनी आ गई, ग्रैनी आ गई, ग्रैनी ग्रैनी अब आराम से नहीं बैठेगी क्योंकि इसे पता है कि ये बंदा भागने की ट्राई कर रहा है एंड भाग सकता है ये। वैसे उनका माइंड होगा कि हम इसे भागने नहीं देंगे। आ जा ग्रैनी, किधर है तू, ग्रैनी की देखें, ये उसकी ना ये जवानी की पिक्चर है, देखो कैसे भूतनी सी थी।
चलो भाई, ये आ गया स्टेयरिंग व्हील। हाँ तो अभी देखें थोड़ा सा नक्शा भी चेंज हो रहा है, पहले तो लगता था कि ऐसे यार कोई लूहा पड़ा है, कबाड़ पड़ा है कोई। चलो भाई ऊपर चलो, हमारा दूसरा दिन है, अभी 3 दिन बाकी हैं भाई, बहुत टाइम पड़ा है। ये हैंड व्हील, इसके लिए भी हैंड व्हील, बट ये हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें भी हमें कुछ देखा था लास्ट टाइम, इस डोर लॉक, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो, ओ तो भाई ग्रैनी आ रही है, ग्रैनी आ रही है, ग्रैनी का डंडा मैंने देख लिया थोड़ा सा। तो ये छुपने की जगह सही है भाई, ये लकड़ी के डब्बे पड़े हैं तो लो बंदा छुप जाते हैं, अगर ये ना होते तो वो सामने हमें देख लेती। ऊपर नीचे भाई, इन बुड्ढों को आराम नहीं आता, तो ज़रा सा भी, थोड़ी देर के लिए तो चलो रेस्ट कर लें, हम सारा सामान इकट्ठा कर लें। नहीं आई, नहीं आई हमारे पीछे, उसने नहीं देखा होगा क्योंकि हम पहले भाग गए हैं, और अब की भी आ चुकी है। ओ आ गई, आ गई भाई साहब, मुझे पता था ये छुपी हुई थी इधर, उसको शक था पहले से भी। Day 3, तो हमारा तीसरा दिन शुरू हो चुका है, जस्ट अभी रहते हैं 2 दिन बाकी, Day 4 एंड Day 5। हमारे पास, हमें चाहिए 3 चीज़ें, एक गैसोलीन, दूसरा स्पार्क प्लग एंड तीसरा पैडलॉक की। फाइंड कर लेंगे बेटा, हम भागेंगे तो आज ही। ये देखो कैसे चालाकी के साथ, ये भी सारी जालें जो है ना, ये उसी बुढ़े की हैं। अब नीचे तो हमने सारा माल देख लिया, ओ ओ ग्रैंड पा ने देख लिया, आई सी यू, हाँ मुझे पता है देख लिया तूने। आ रहा है क्या वो बुढ़ी? आ रही वो बुढ़ी, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, अब इनको शक हो गया है, ये हमें कुछ भी नहीं करने देंगे, हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, बट फिर भी हम तो भाग जाएंगे। आ जा, नीचे नहीं आई क्या? छुपने की जगह बहुत है, अभी ऊपर नहीं गए, ऊपर हमें बहुत माल मिलेगा, ऊपर हमें स्पार्क प्लग भी मिल जाएगा और गैसोलीन केन वो भी चाहिए, वो भी मिल जाएगी। वो रही ग्रैनी, आई सी यू, वो कहती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, देख लिया तो आ जा पकड़ ले फिर। इधर हमने देखा था ना भला, हमें कुछ मिला था? इधर कुछ भी नहीं है, इधर बस सेफ की चाहिए। वाह यार क्या करें, अब कहाँ जाएं हम, न ग्रैनी पीछा छोड़ रही है, न ग्रैंड पा पीछा छोड़ रहे हैं, क्या करो यार, जिधर भी जाओ आगे से आ जाते हैं। एक बंदा एक साइड से, दूसरे दूसरी साइड से, ये दोनों ने ना प्लान किया हुआ है कि इसको भागने नहीं देना। बेटा एक बार हमारे हाथ लग जाए वो वेपन की, तो फिर हम इन दोनों को देखेंगे कि कैसे हमें रोकते हैं। और इधर देखो, इधर इनका कुत्ता, ये बहुत खतरनाक है, काटता है हमें, इधर नहीं जाएंगे अभी, गन लेके पहले इसको मार के ना इधर जाएंगे, शायद इधर से भी कुछ मिलेगा। वो ग्रैनी आ रही, ग्रैनी आ रही, ग्रैनी नीचे गई हुई थी। कुत्ता किधर है? इनका कुत्ता भी है इधर, वो देखो उसने भी हमें देख लिया, अब वापस नहीं जाएगा जब तक हम इसकी आंखों से दूर नहीं जाएंगे। हाँ गया गया, टुकड़ा उठाओ भाई साहब, टुकड़ा उठाओ, ये काम क्या है? ऊपर दोनों होंगे, ग्रैनी एंड ग्रैंड पा दोनों, वो जा रही ग्रैनी। जल्दी से ना इधर से फाइंड कर लेते हैं क्योंकि दोनों ऊपर चले गए हैं, वापस ना आ जाए। वो ग्रैंड पा आ रहा, ग्रैंड पा आ रहा है, मुझे पता था दोनों ही ऊपर हैं। तो सारी हमने देख ली, उधर तो कुछ भी नहीं था। आ जा बुढ़े, वो रहा बुढ़ा, बुढ़ा इधर खड़ा है, आगे नहीं आ रहा।
वो सोच रहा होगा कि शायद दूसरी साइड पे गया है, अभी ऊपर ना चला जाए यार, क्योंकि हमने ऊपर जाना है। अब सारा सामान वो नीचे जा रहा है, नीचे चला जाएगा अभी। चलो ये तो अच्छा हुआ, एक बंदा तो नीचे गया ना। लास्ट टाइम जस्ट ग्रैनी थी घर में, तो हम बड़ी आसानी से ना इस्केप कर लिया था। ये रही ग्रैनी, ग्रैनी आएगी क्या? तो चल आ जा, आ जा ग्रैनी आ जा, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये पिक्चर हमने इधर रख दी और इस डोर को करते हैं ओपन। आई नीड ए सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी की है उस ग्रैंड पा के गले में। और पिक्चर का एक दूसरा भी टुकड़ा हमें तीसरा मिल गया है। कहाँ है ग्रैनी? आ रही है क्या? इधर क्या है? सेफ की, वाह सेफ की मिल चुकी है, जाकर इसको लगाते हैं। ये क्या है? डोर हैंडल। हाँ डोर हैंडल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने डोर से स्केप नहीं करना। सेफ की मिल चुकी है, और क्या चीज़ थी भला हमारे पास पहले? स्पार्क प्लग, वाओ तो हमें स्पार्क प्लग भी मिल चुका है। तो भागो भाई, हमने शोर भी कर दिया है, शोर थोड़ा सा भी ये सुनते हैं ना भागे चले आते हैं। इनको पता चल जाता है कि इस जगह पे वो बंदा है। इधर नीचे, अब देख के जाना है, क्योंकि वो बुढ़ा नीचे आ रहा था, हमने देखा था लास्ट टाइम वो नीचे आया था, शायद इधर ना हो। तो ये यार ये ग्रैनी बहुत हंसती है, देखो अभी ऐसा लगता है कि कोई जवान लड़की हंस रही है। तो अब चाहिए हमें दो चीज़ें, एक पैडलॉक की इस डोर को ओपन करने के लिए, एंड एक गैसोलीन, क्योंकि की ऑलरेडी है इधर, ये पड़ी। दोबारा से ऊपर जाते हैं, और ऊपर से आवाज़ आई है भाई डोर ओपन होने की। इधर तो नहीं आ रहे? नहीं, इधर नहीं है। ग्रैनी वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? ओ कैमरा भी ऑन है भाई, सीसीटीवी कैमरे की रेड लाइट ऑन है। जब रेड लाइट ऑन होती है तो वो हमें कैमरे में देख रहे होते हैं, ग्रैनी और ग्रैंडपा, इन दोनों में से एक बंदा हमें देख रहा होता है और फौरन ही आ जाता है। अभी देखें, हाँ लाइट ऑन है, तो जल्दी से भाग जाते हैं। अभी इधर रुके रहे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। देखें वो आ रहा, मुझे पता था, मुझे पता था कि ये हमें कैमरे में देख रहे हैं और अभी आएंगे इधर। इधर क्या चीज़ है यार? वो रुक गया उधर, आगे नहीं आ रहा, वो खड़ा, उसका हाथ मुझे दिख रहा है, ये पीछे चला जाएगा। ये क्या गा रहे हैं दोनों? ग्रैनी कह रही है वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, एंड ग्रैंड ग्रैंड पर क्या गा रहा है भाई? सिंगिंग का बहुत शौक है इसे। हाँ चले गए, अभी भी सीसीटीवी कैमरा ऑन है, अभी वो बुढ़ी देख रही होगी। वो आ गई ना, वो तेज भागती है। अब क्या चाहिए हमें? गैसोलीन कैन की, गैसोलीन कैन एंड पैडलॉक की। हाँ दो चीज़ें चाहिए, दोनों के दोनों बहुत अहम हैं चीज़ें। ये किधर है बुढ़े? तो ऊपर जाते हैं, तो ये पिक्चर का टुकड़ा है, पिक्चर हमने यूज़ करनी है ऊपर डोर को ओपन करने के लिए। बट पहले ये डोर ओपन करना है, पहले हमने, हाँ ये क्या, मैंने तो समझा देख रही यार, ये स्टंट गन मिल गई हमें। अब हम उस बुढ़े से चाबी छीन सकते हैं, क्योंकि इनको झटका देंगे 1000 वोल्ट का, इससे बहुत बड़ा झटका लगता है। कहाँ है बुढ़े? आ जा बुढ़े, इधर आ, मैं इधर हूँ बुढ़े। बुढ़ा सॉन्ग चला रहा है, उसने हमें देख लिया। अभी आ जा, अभी मैं तुझे बताता हूँ। ये बुड्ढा गया, अब बुढ़ी कहाँ है? बुढ़ी को भी देखना है, हमने सिक्योरिटी की छीन ली है उससे। ये रही बुढ़ी, बुढ़ी भी आ रही है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे हस्बैंड को मार दिया इसने। बुढ़ी तुझे भी मैं बताता हूँ, अभी आ जा, आ जा तू भी आ जा।
ये भी गई। चलो दोनों को हमने दो दो मिनट्स के लिए सुला दिया। अब ये 2 मिनट्स के लिए हमें तंग नहीं करेंगे। बुढ़ा तो गायब हो गया, ये तो गया, ये भी आ जाएगा दोबारा। एंड बुढ़ी अभी थोड़ी देर के लिए सोएगी। अभी ये हमने ओपन कर दिया क्योंकि इधर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलनी हैं। इस जगह पे कुछ नहीं है, ये भी खाली है। और इधर क्या है? कटिंग प्लायर। ओके, तो ये काम की चीज़ है। इससे ना पहले तो हम इधर ये तार काटते हैं। वैसे ये हमारे काम की नहीं है लेकिन फिर भी काट देते हैं। चलो इनका नुकसान तो करें ना, ये जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं दोनों मियाँ बीवी, वाइफ हस्बैंड, इस उम्र में। ये देखो यार इनको क्या है, हम तो अभी बच्चे हैं, बच्चे भी हैं एंड बच्चे हुए भी हैं। ओके, पिक्चर लेके जाते हैं ऊपर, पहले इसको जोड़ते हैं। तो ये हमारा लक है कि हम बचे हुए हैं, नहीं तो ये किसी को भी नहीं छोड़ते। इधर पहले फाइंड कर लेते, ऊपर नहीं आ सकते, ऊपर जब आ जाते हैं खतरा नहीं होता। हेलीकॉप्टर मैनुअल, हेलीकॉप्टर मैनुअल मैनुअल को क्या करेंगे? इसको ओपन करो एंड इधर पिक्चर लगाओ बस। तो एक हमने लगा दी, ये पिक्चर उस बुढ़े की है, ग्रैंड पा की। जैसे हम इसके तीन पार्ट्स हमें चाहिए, तीनों की तीनों हमारे पास हैं। एक हमने लगा दिया, दूसरा लगा, दो लगा दिए और एक अभी लेकर आते हैं। चलो ये तो हो गए पूरे। अब ये डोर लो ओपन हो जाएगा सामने वाला। ये देखें ये पिक्चर, अगर हम इधर ये तीन पीस इसके ना लगाते तो ये डोर ओपन नहीं होता। ये देखो अभी नहीं हो रहा, तो इसको अनलॉक करने के लिए इसके तीन पिक्चर चाहिए होती हैं। ये देखो अभी बुढ़ा बन गया, पूरा हो गया और लॉक भी ओपन हो गया। वो इधर यार हमें कुछ मिला तो है नहीं, इधर तो एमओज हैं। अब इसको ओपन करने के लिए ये चाहिए, बट इधर हम आए थे जस्ट कोई चीज़ देखने के लिए, क्योंकि हमने बोट तो एस्केप तो बोट से करना है। इधर तो ऊपर है हेलीकॉप्टर, अब इसको भी ओपन करना है। इधर अंदर क्या पड़ा है? कुछ है। चलो तो ये बाद में देखेंगे, अभी इधर ले देख रहे हैं, इधर कुछ है। और यार इधर भी कुछ नहीं है, अब क्या करें? हमें तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है बट अभी शोर भी कर दिया। बुढ़ी एंड बुढ़ा भी आते होंगे। वो आ रही बुढ़ी, इधर आ जा, मैं इधर हूँ। बुढ़ा भी आ रहा है, मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई है। आ रहा है क्या बुढ़े तू? ये भी गया। ये दोनों तो थोड़ी देर के लिए सो गए। ये डच टीप पड़ी है इधर, ये हेलीकॉप्टर की है, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है इधर, खाली है सारा माल। अब क्या करो भाई? वो जिधर कुत्ता खड़ा है उधर जाते हैं। उस साइड पे जाकर देखते हैं, हमें रेंच मिल जाता तो उससे भी हम काफ़ी सारे डब्बे खोल लेते, बट रेंच अब किधर से लें? ये कटिंग प्लायर पड़ा है, इसकी भी ज़रूरत है बट अभी नहीं है फिलहाल। तो ये गैसोलीन कैन, वाओ, तो गैसोलीन कैन भाई इधर पड़ी थी, ये तो मिल गई। हम ऊपर से ना नीचे आ गए कि शॉर्टकट ले लेते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, बट हम इधर कभी भी ना आते। वैसे मुझे पता भी नहीं था उसका कि इधर भी कुछ मिलता है। वो उनका वॉशरूम है कांच वाला। चलो हमारा फ़ायदा होना था, हो गया। एंड ये देखो
इसमें फ्यूल भर देते हैं। ये क्या, इधर ही रखना है, फुल कर लेते हैं क्योंकि रास्ते में ये रुक गई तो हमें फ्यूल नहीं मिलेगा। चलो फ्यूल हमने इसमें डाल दिया, अब हम जाते हैं ऊपर। जस्ट हमें चाहिए अब पैडलॉक की से हम इसको ओपन करेंगे। आई नीड ए पैडलॉक की। ओके, बाकी सारे सामान हमारा पूरा है। ये देखो, स्पार्क प्लग लगा दिया, गैसोलीन एंड इसका हैंडल व्हील भी लग गया एंड चाबी भी हमारे पास है। अब ऊपर जाते हैं, इसको फेंक देते हैं इधर ही, इसको इधर रखते हैं, नीचे नहीं ले, ऊपर नहीं ले जाएंगे। जस्ट पैडलॉक की लेके ना अब हम भागते हैं इधर से, बट पता नहीं है कि पैडलॉक की है किधर। ये पैडलॉक की मिल जा अब। वो ग्रेनी आ रही है ऊपर से, ग्रेनी बहुत खतरनाक है। वैसे तो दोनों ही खतरनाक हैं, बट ग्रेनी ना थोड़ा तेज भागती है ग्रैंड पा से। अभी थोड़ा जवान है, ग्रैंड पा बेचारा बूढ़ा हो चुका है, उसके हाथ में छड़ी है। ग्रैनी के हाथ में तो डंडा है, पता नहीं ये हॉकी खेलती है, पता क्या करती है। कपड़े धोने वाला डंडा वो हमारे पीछे उठा के लगी हुई है। तो अब कहाँ से फाइंड करें। हाँ, एक है चीज़ इधर से हमें, यार लास्ट टाइम ना मीट ले आए थे हम अपने साथ इनको, इनके कुत्ते को डालने के लिए, बट अब वो ग्रेनी 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 आ रही है हमारे पीछे। ग्रेनी ने हमें देख लिया। मीट कहाँ गया भाई, लास्ट टाइम हमने मीट, ओ ग्रैंडपा भी, हमें ग्रैंडपा ने देख लिया है। तो हम ना वो स्टंट गन उठाते हैं एंड इन दोनों को पहले करते हैं बेहोश, उसके बाद ही हम पैडलॉक की फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो ये मार देंगे। अब इनको पता चल चुका है कि हमने सारा सामान फाइंड कर लिया है, जस्ट एक पैडलॉक की हमें चाहिए वो सामने वाला गेट ओपन करने वाले के लिए, जाली वाला। तो बाहर निकलते हैं एंड हम जाते हैं नीचे। पहले तो मीट का टुकड़ा, हमें गोश्त का एक टुकड़ा चाहिए जो कि इनके कुत्ते को डालेंगे। कुत्ता है, पता नहीं क्या चीज़ है बट है खतरनाक सी, उसको डालेंगे और वो इसको खाएगा और हम ना उधर से देख लेंगे, शायद हमें उधर से मिल जाए पैडलॉक की। और हमें अभी वेपन की भी नहीं मिली, अगर वेपन की भी मिल जाती फिर भी बहुत काम हमारा सीधा हो जाता, बट नहीं है यार, किधर फाइंड करें एक चीज़। बाकी तो सारा सामान आ गया, इधर भी हमने देखा है क्या। इधर भी कुछ नहीं है। इधर जाते हैं, ये रहा इनका कुत्ता। आ जा भी कुत्ते, यार अगर ये हमें, जी हमें काटने लग गया भाई, अब ये मुझ में हमारी जान नहीं छोड़ेगा। ग्रैनी एंड ग्रैंडपा भी आ जाएंगे, ये काटता रहेगा, ये हमें मार नहीं सकता। बस हमारे पास गन होती ना भाई। चलो तो रैंच भी मिल गया, क्रोबार रैंच नहीं है, सॉरी क्रोबार मिल गया। ये हमें निकलने देगा तब ना। भाई ये आज नहीं निकलने देगा, ये बार बार काट रहा है, इसको पहले हमने मारना था। ये देखो, ये तो सांस भी नहीं लेने दे रहा भाई, कैसे भागेंगे इधर से। ओ भाई बार बार छीन लेता है यार, क्या करूं अब। ओह शिट, ग्रेनी भी आ गई। भाई मुझे पता था ये ऐसा ही करेगा, हालांकि ये काम की चीज़ है, ये जो रैं हमें मिला है ना क्रोबार। अब हमारा डे 4 शुरू हो गया है, जस्ट एक डे दिन रहता है बाकी। अगर इस दिन भी हमें इनके हाथ लगे ना तो भाई फिर हमारी खैर नहीं।
मीट भी मैंने उसको डाला था, बट वो मीट को उठा ही नहीं रहा था। यार इसके साथ ना उसको झटका लगाते हैं, जाकर ट्राई करते हैं, शायद मर जाए, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है। आ जा बेटा। हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया भाई साहब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं पहले हम ऐसे। ओ ओ शिट, बुढ़ा आ गया, ग्रैंडपा आ गया भाई। ये सही हो गया, हमने उसको झटका लगाया, बट अब हमारे हाथ वो नहीं लगेगी, अभी ये जो स्टंट गन थी ना झटके वाली। ग्रैनी भी आ चुकी है, दोनों आ चुके हैं, क्योंकि उनके कुत्ते को हमने मार दिया। ये देखें वो ऊंची ऊंची आवाज़ें कर रहा है, क्योंकि उसको हमने झटका दिया है, जैसे हम इनको देते हैं। ये तो बेहोश हो जाते हैं, बट वो बेहोश तो नहीं हुआ। ग्रैनी जाएगी क्या? ग्रैनी ऐसे नहीं जाने वाली, दोनों खड़े हैं भाई, ग्रैनी एंड ग्रैंडपा दोनों खड़े हैं। अब ये नहीं जाएगी भाई, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि हम इधर बैठे हैं, तो एक बार हमें दोबारा से मरना पड़ेगा। बट डे 4 है, लास्ट डे हमारा बच जाएगा तो क्या करेंगे भाई। चलो ये देखें, दोनों खड़े थे, उनको अब पक्का पता था कि हमारे कुत्ते को इसने मार दिया है, तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे, और गुस्से थे। डे 5, द लास्ट डे, आखिरी दिन है, देखते हैं क्या बनती है। अगर इनके हत्थे चढ़ गए तो फिर तो ये हमें मार देंगे, नहीं तो हम क्या चाहिए, पैडलॉक की, जस्ट एक की के लिए भाई इतना तामझाम करना पड़ रहा है। इधर तो नहीं है ना, लास्ट टाइम इधर ही आए थे। कुत्ता उनका किधर है? कुत्ता अंदर है, और हम ये उठा लेते हैं, वो गन हमारी, वो कुत्ता अंदर ले गया भाई, बहुत क्लेवर है यार ये। उसे पता था कि ये दोबारा उठाने आएगा, मैं इसे मार दूंगा, काटूंगा, और मेरे मालिक भी आ जाएंगे, ग्रैंडी एंड ग्रैंडपा, वो भी गुस्सा है। अब इनसे बच के रहना है, ग्रैनी आ रही है, ग्रैनी ने हमें देख लिया। भागो भाई भागो, नीचे पीछे से आ रही है ग्रैनी, तो कहाँ गई भाई, इधर आ रही थी। ओ शिट, ओ शिट, चलो हरी एक नहीं पिए। खुली खड़ी है चलो चलो चलो, भूता ग्रैनी आ गई हमारे पीछे, ग्रैनी आ रही है, और हम जल्दी से ना बोट बेचाते हैं और भाग जाते हैं, कश्ती पे बैठ के, सारा सामान पूरा है। बट वो गेट तो हमने खोला नहीं भाई, उसकी की तो हमें मिली नहीं, लेकिन हम ट्राई करते हैं। आई नीड टू ओपन द गेट फर्स्ट, तो पहले वो बोलते हैं कि पहले गेट ओपन करो, मुझे पता था, तो इसको अभी फेंक देते हैं इधर, और जाते हैं ऊपर की लेकर। की को फाइंड करना है भाई, की पता नहीं किधर है, की को अब फाइंड करते हैं। एक और जगह है, मैं जाकर देखता हूँ कि शायद मुझे मिल जाए, और ऊपर कोई सॉन्ग भी सुन रहा है, ये ग्रैनी होगी, हमारे पीछे पड़ी थी, अभी देखो इधर से वो हमें छोड़कर गई है, एंड वो रही ग्रैंडपा है भाई, इधर से ग्रैंडपा भी आ रहा है, तो जल्दी से ना हम इधर जाकर छुप जाते हैं थोड़ी देर के लिए भाई, इधर छुपो। तो अब की फाइंड करते हैं यार, इसकी दूसरी साइड पे हम देखेंगे कि शायद हमें की मिल जाए। ये क्या पड़ा है? ये तो रेंच है, ये काम नहीं आएगा। जस्ट अब हमने वो गेट खोलना है सामने वाला, और उसके बाद भागना है, और लास्ट डे है हमारा। अगर
आज हम मर गए ना भाई, ये पक्का पक्का आज हमें ख़त्म कर देंगे। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं कि वो इधर खड़े तो नहीं है। उनका कुत्ता भी है, वो देखें, वो हमें देख रहा है। और ये पड़ी चाबी भाई, पैडलॉक की। वाह, तो चाबी मिल गई। अब हमने जाना है नीचे और भागना है भाई, इनसे बचना है, शायद वो नीचे ना हो। बस इनको देख के अब जाना है हमने। वो रहा, ग्रैंडपा एंड ग्रैनी भी इधर है, वो दोनों इधर हैं। अब ये हमें पता है, मैं पहले डर रहा था कि शायद हम इधर हम जाएं और आगे से वो आकर हमें मार दें, बट अब हम भाग जाएंगे। ये देखें, वो दोनों ऊपर हैं, उनको पता भी नहीं है, और हम हो जाएंगे रफू चेक कर। तो गाइस, सारा काम हो गया तमाम। ये देखें, सब कुछ हमें मिल चुका है, बट चाबी किधर है? चाबी मैंने लगा दी थी लास्ट टाइम। ये देखें, ये हमने पैड इसको खोल दिया गेट को, और गेट हो जाएगा अब ओपन। ये देखें, गेट ओपन हो चुका है। अब हम कश्ती में बैठते हैं। आई नीड ए बोट की। तो बोट की कहाँ गई भाई? लास्ट टाइम इधर ही तो थी। ये रही बोट की। बोट की हमें मिल चुकी है, और अब फेंकते हैं इसको। ये देखो, ये फेंक दिया हमने, और इसको करते हैं स्टार्ट। तो बाय बाय ग्रेनी, उनको पता भी नहीं है, और हम भाग रहे हैं, गेट ओपन है। तो गाइस ये देखें, सारा सामान लगा दिया इधर। ओ ग्रेनी, तो भाई हमने स्टार्ट कर दिया, अभी ग्रेनी आ रही थी, वो देखो। वो देख रहे और हैं। उसमें बला भी है। हाँ, वो दोनों देख रहे हैं अभी, देखें। देखो देखो, हम भाग रहे हैं, दी एंड। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को शेयर की भी कर दें दोस्तों को। गुड बाय।